नमस्कार आदाब, इंडिया नजर सिकंदराबाद आप सभी का स्वागत स्थित है। रामलीला मैदान में रामलीला का शुभारंभ विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने फीता काटकर किया। भगवान विष्णु लक्ष्मी की आरती के साथ रामलीला शुभारंभ हुआ। रामलीला में विष्णु जी द्वारा नारद जी का मोह भंग किया गया। रामलीला महोत्सव में भगवान विष्णु ने नारद मुनि का ससान के प्रति मोह होने के कारण उनका मोह भंग किया। विष्णु जी ने अपनी वाणी से कहा कि मुनियों को ससान से दूर रहना चाहिए और उन्हें अपने कर्तव्य के बारे में ध्यान देना चाहिए। दर्शक भगवान विष्णु की वाणी सुनकर भावुक हो गए। उसके बाद नाटक हरिश्चंद्र की लीला का मंचन किया गया, जिसमें प्राण जाए पर वचन ना जाए, धर्म की खातिर बिक गए तीनों प्राणी। रामलीला में राजा हरिश्चंद्र से संत विश्वामित्र ने दान में राजपाट ले लिया और ढाई ढाई भार सोना लेने के लिए तीनों प्राणियों को काशी नगरी में बिकवा दिया और अपना कर चुका लिया। जिसके बाद विश्वामित्र ने अनेकों प्रकार से राजा हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा ली, जिसमें राजा हरिश्चंद्र सच्चे ईमानदार व खरे उतरे और अपने धर्म को नहीं जाने दिया। धर्म की खातिर अपना सब कुछ दांव पर रख दिया। बताया कि अंत में सत्य और ईमानदारी की जीत होती है। हम सभी मनुष्यों को सच्चाई व ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। हमेशा सत्य की जीत होती है। रामलीला राधिका कृष्ण कला मंडल एवं रामलीला मंडल वृंदावन से व्यास पंकज कुमार व्रजवासी द्वारा बड़े सुंदर तरीके से दिखाए, जिससे श्रद्धालु मनमुग्ध हो गए। रामलीला के मंच का संचालन महासचिव अरविंद दीक्षित ने किया। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट। चीफ और तभी से लगातार 15 दिन तक पखवाड़ा चल रहा सेवा का, सेवा सब पखवाड़ा लगातार, चाहे युवा मोर्चा के द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रहा हो, चाहे चिकित्सा का शिविर रहे हो, चाहे कृत्रिम जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए हमें उपकरण बांटे हों, या लगातार कार्यक्रम जो चल रहे हैं आप देख रहे हैं उनको। 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता था। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप लोगों की वोट तय करती है कौन रहेगा कौन जाएगा, किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार बिगड़ेगी। तो आप सबने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मैं शीश झुकाकर आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ साथ हमारे दोनों नेता हैं, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, गीता हो, और बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे जिनको हम पढ़कर आगे बढ़ते हैं। और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं हम उनको पढ़कर उनसे शिक्षा लेते हैं। रामायण में हमने देखा कि भाई के प्रति भाई का प्रेम है। डालू जिधर देखा उधर थोड़ा भागो, खींचू जिधर
आपका पसंदीदा चैनल इंडिया नजर न्यूज टीवी चैनल अब आप देख सकते हैं अपने मोबाइल एंड्रॉइड डॉट ऐप पर, वह भी बिल्कुल फ्री। भी आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।